Good morning, everyone. Oops, sorry. Hello, everyone. Assalamualaikum. This is me, Rabika Kashif Khan. Welcome back to my YouTube channel. So again, I'm here with my new YouTube video. आज की वीडियो आपके रबीका काशिफ खान एक और दफा धमाकेदार लेके आई, क्योंकि आज मैंने आप सबका फेवरेट चैलेंज लिया है, which is eating mangoes for 24 hours. I am so excited today because I know I am not only the mango lover, but my majority fans are also the mango lovers. That is the main reason मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ. और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मुझे 24 घंटे तक आम खाने, मुझे तो आम की खुशबू से भी मोहब्बत है यार. जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि आप लोगों को मैंगोज कितने पसंद है, क्या आप लोग 24 घंटे तक आम खा सकते हो, और ये भी बता रहा है कि आम से कौन कौन सी डिशेज जो है वो बन सकती है. जल्दी से जाके उतना ही प्यार दिखाना जितना आप लोग को मैंगो से मोहब्बत है और अपनी रबीका काशिफ खान से मोहब्बत है. तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का चैलेंज शुरू करते हैं. ब्रेकफास्ट 10 AM भी बज रहे हैं सुबह के 10, और मैं बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे ये चैलेंज शूट करना था. तो अभी हम करेंगे सबसे पहले ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट में हम क्या लेंगे वो आप लोग अभी देखेंगे. चलते हैं किचन में और करते हैं ब्रेकफास्ट. इट्स टाइम टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फर्स्ट. और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंसान जब सुबह उठता है तो उसे सबसे ज्यादा नीड होती है ब्रेकफास्ट की. अगर नहीं करता तो इंसान कमजोर हो जाता है मेरी तरह. लेकिन खैर, आज हम ब्रेकफास्ट करेंगे बहुत मजे का. मैंगो चैलेंज है तो अब हमें मैंगो वाला ही ब्रेकफास्ट बनाना होगा. तो अभी हम अपने आम को घुलाएंगे लाइक दिस. चैलेंज है तो उसके लिए हम येलो येलो कप भी ले लेते हैं तो अच्छा लगेगा. खैर, हमारा आम घुल चुका है. अब मैंगो का सारा पल्प हम इसमें डालेंगे कप में. पल्प निकालने के चक्कर में हमारे पूरे हाथ पे पल्प लग गया है. सो ये हमने पल्प निकाल लिया है मैंगो का. और अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क. शुगर मैं थोड़ा शुगर से गुरेज कर रही हूँ, मेरे का डाइट है तो इसलिए मैं शुगर ऐड नहीं कर रही. इसलिए सिर्फ मैंगो का पल्प और थोड़ा सा मिल्क ऐड कर रही हूँ. ये हमारा रेडी है आम दूध, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आइस तो बन जाएगा आम दूध. वैसे भी फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं ना वो बहुत हेल्दी होते हैं, तो अगर आपको मैंगो बहुत ज्यादा पसंद तो आप मैंगो खाएं, बेझिझक खाएं, लेकिन खाएं, कुछ तो खाएं. तो यही सीन है. बाकी ये मेरा तैयार हो गया ब्रेकफास्ट, अभी हम इसको पीते हैं थोड़ा मजे से, फिर उसके बाद हमें अपनी लंच की तैयारी करनी है. गाइस, अब हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे. और आप लोगों को पता है कि ये सुबह के टाइम कितना ज्यादा हैवी हो जाता है, लेकिन क्या करें, पीना पड़ेगा. देखते हैं कैसा बना है. अच्छा तो बना है, लेकिन मैंने इसमें शुगर नहीं डाला है ना, तो ऐसा लग रहा है फीका फीका. लेकिन कोई बात नहीं, अब डाइटिंग पर हूँ तो ऐसे ही पीना पड़ेगा. बोर हो रही हूँ, सोचूं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लूं. आप लोग मुझे जल्दी जाके कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों में से अब तक कौन कौन है जो कि तारक मेहता के उल्टा चश्मे की पूरी एपिसोड देखते हैं, क्योंकि मेरे घर में तो सब अब तक देखते हैं. चाहे हम जितने भी बड़े हो जाए जब तक देखेंगे, क्योंकि ये यार माइंड ब्लोइंग ड्रामा है. आप लोग बताओ कि आप लोगों में से कौन कौन देखता है. जब तक हम अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं. Lunch time 2 PM. So guys, it's time to make something for lunch. और मैं काफी देर से सोच रही थी कि यार लंच में क्या बनाया जाए. लेकिन अब मुझे फाइनली बहुत जबरदस्त चटाकेदार आइडिया आ गया है. वो आइडिया ये है कि मैं बनाऊंगी कच्चे आम की सब्जी, मतलब कि कैरी की सब्जी. अब आप लोग इस वीडियो में साथ साथ रेसिपी भी सीख लेंगे, और मेरा लंच का लंच भी हो जाएगा, और 24 आवर वाला चैलेंज और मजेदार हो जाएगा. तो आइए जल्दी से हम सब्जी बनाते हैं अपने लंच के लिए. ये रही हमारी कैरी जो कि मैंने चॉप करके रखी हुई थी पहले से ही, और इसके साथ मैंने थोड़े से टमाटर भी चॉप कर लिए थे ताकि हमारी सब्जी का थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाए. मैंने ऐसे रोकी तो आपको पता है अच्छी नहीं लगेगी. इसलिए हम ऑयल के बाद इसमें ऐड करेंगे टोमेटोस. टोमेटोस
एक टेबल स्पून हमने इसमें क्रीम चीज ग्राइंड किया है, अब हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। ये मैं बिल्कुल अलग रेसिपी बता रही हूँ, ट्रस्ट मी, बहुत मजे का बनेगा। दूध ऐड कर लिया। दूध में थोड़ा सा भूनने के बाद हम करेंगे अपने सारे मसाले। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक के बगैर तो जायका ही नहीं आएगा ना। और खुशबू भी लाजवाब आ रही है। साथ ही साथ स्लाइस जूस में पीऊंगी। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो चलकर खाते हैं। Hours later. Tea time, 5 p.m. So, अब शाम का टाइम हो गया। आपको पता है आजकल कितनी गर्मी है, तो फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट मेरी जान हम मैंगो आइसक्रीम खाएं। तो इसलिए मैं मैंगो आइसक्रीम लेके आई हूँ। अब इतनी बड़ी है, मैं अकेले तो खा नहीं सकती, मेरे पास यार इनको भी खिला देते हैं। ये किसने मेरी मैंगो आइसक्रीम खाई है? मैंने नहीं खाई। ये मुझे लग रहा है ये महीर के काम है, छुपे छुपे आइसक्रीम खा रहा होगा। मुझे लगे पूरी मेल्ट हो रही है यार। बॉडी पूरी मेल्ट हो चुकी है। ये हमारी मैंगो आइसक्रीम। Dinner 9 p.m. 146 minutes later. 2 hours later. So guys, I am ready. Wow. आज मैं बहुत ज्यादा तैयार हुई हूँ। Actually, I have to go somewhere. इसीलिए बाकी और कोई वजह बिल्कुल भी नहीं है। वैसे मैं ये सोची थी कि मैं शाम में मेकअप करना स्टार्ट किया था और कब में इतना टाइम गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। खैर, अच्छी लग रही हूँ ना मैं? जल्दी जाके कमेंट सेक्शन बताओ कि मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। पिंक पिंक मेकअप किया आज मैंने। हमारा डिनर टाइम है, तो डिनर की प्रिपरेशन करनी है। आप लोगों को पता है सुबह से मैं गर्मी में कितना काम कर रही हूँ, मुझे कितनी स्वेटिंग हो रही थी। तो इसलिए अब मेरी हिम्मत नहीं है किचन में जाके वो भी तैयार होके कोई काम करने की। तो इसलिए उससे पहले से ही मैंने अपने लिए डिनर रेडी करके रखा हुआ है। बस उसमें कुछ चीजें जो है वो ऊपर से समझ रहे हैं ना। तो आइए किचन में चलते हैं, अपना डिनर रेडी करते हैं और फिर खाते हैं। बहुत भूख लग रही है। आइए लेट्स गो। ये है हमारा डिनर। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. मैंने अपने डिनर की प्रिपरेशंस पहले से करके रखी हुई थी। ये है हमारे पास मैंगो कस्टर्ड, जो कि मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि ठंडा हो जाए। बाकी हमारे मैंगोस क्यूब्स में कटे हुए हैं, उसको मैंने रख दिया था ताकि ऊपर से अच्छे से डेकोरेट कर सकूं। और ये है हमारे पास क्रीम। साथ ही साथ मैंने आमरस वाली कैंडीज भी मंगवाई थी, क्योंकि मुझे आमरस वाली कैंडीज बहुत पसंद है। अब मैंगो चैलेंज किया है तो मैंगो से रिलेटेड हर चीज होनी चाहिए ना। कस्टर्ड जो है वो प्यारा से डेकोरेट कर लिया। आप देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है। अब मेरा पता दिल नहीं कर रहा इसको काट के खाने का, क्योंकि इतना प्यारा लग रहा है। लेकिन क्या करें, भूख भी तो इतनी लग रही है ना। चलो यार, साथ अपने छोटे चुन्ने मुन्ने वाले भाइयों को भी बुला लेते, उनसे भी शेयर कर लेते। बेचारे कहाँ खाते थे। ये कैसी एंट्री थी, ऐसे घूम घाम के आ रहे थे कि शाहरुख खान हो क्या? शाहरुख खान हो इसको क्या? कस्टर्ड, यू वांट टू ईट कस्टर्ड? नो। हम कस्टर्ड खा के देखते हैं बना कैसा है।
मैंगो कस्टर्ड। वैसे आज वाला चैलेंज तो मेरा फेवरेट हो गया है क्योंकि मुझे मैंगोस ऑलरेडी बहुत पसंद है, और जो आज हमने जितनी भी चीजें बनाई है ना और खाई है वो बहुत लाजवाब बनी थी। क्या बात है ना मेरी, क्या बात है। ये मुझे रखी हुई है कि एक एक मैं महीर को बांट दूंगी और बाकी सब आप लोग को बांट दूंगी। जल्दी से ले ली चले, बाकी हम खा लेंगे। जाके इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हम लेते चॉकलेट बताए ताकि डायमंड बताना सकते। ओहो, मतलब आप लोग ये देखे कि हमारे महीर जो है छोटे से इनका दिमाग कितना चलता है, कितने इंटेलिजेंट है। डायमंड बटन कब आते हैं महीर? 10 मिनट के बाद। ओहो, जाके लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बहुत बहुत सारा प्यार बरसा दीजिए ताकि मेरा दिल खुश हो जाए। तो यार, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। आपकी रबीका काशिका नई नई वीडियोस के साथ आती रहेंगी, नए नए चैलेंजेस के साथ आती रहेंगी, नई नई 24 आवर्स वाले चैलेंजेस के साथ आती रहेंगी। सो यार, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।